UVR 80 हाँ लगा के भाई, ये है वैसे जेड ब्लैक और ये है 90। हाँ ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। लास्ट वीडियो में जो हमने काम कराया था, यानी कि ये बहुत भाइयों को ना पसंद आया, मतलब कि मिक्स रिस्पॉन्स था। बाकी तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे आ रही होगी, एक बार आप उधर चेक भी कर सकते हैं। टेल लाइट हमने कार की भाई चेंज करा दी थी, मतलब कि रैप कह लो कुछ भी कह लो, रेडियम वाली चीज सी चिपका दी है, मुझे बढ़िया लग रही है। और हाँ, एक दो कमेंट तो इतने कॉमन थे ना कि भाई सफारी स्टॉर्म की याद आ रही है, थोड़ी सी और इधर लाइट होती इंडेवर जैसी बन जाती टेल लाइट। बट जो भी है भाई, ये है साफ सुथरी कार खड़ी है। कल मैंने इसे वॉश करा दिया था, कल कुछ कांड वगैरह हो गया था इसके साथ। बट यस, अभी हम चलते हैं क्योंकि जो आज हम काम कराने वाले हैं वो शीशों से रिलेटेड है, और उसके बाद जो कार की लुक आएगी भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। एंड आज ना हम थोड़ी सी जरूरी बात भी करेंगे टिंट वगैरह पे कि भाई कैसे लीगल भी हो सकती है, मतलब कि चलान वगैरह आपका ना हो, कौन सी हमें करानी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ जेड ब्लैक करा लूं। इमेजिन करो भाई, अगर जेड ब्लैक लीगल होती तो मोस्टली हर कार में ना हमें फिल्म चढ़ी हुई दिखती। और वैसे ना टिंट और फिल्म में ना फर्क है, उसकी बात हम करेंगे लीगल क्या है क्या नहीं। बट डेफिनेटली कार में आज टिंट तो नहीं, फिल्मिंग ही मैं उसे बोलूंगा। वैसे चलो टिंट ज्यादातर बोलते हैं तो टिंट यूज कर लेते हैं, बट इसमें भाई फर्क होता है। एंड यार, कार मैंने ना कल ही वॉश कराई है। सामने बादल देख लो, सामने कह रहा हूँ ऊपर बादल देख लो, काले बादल। हे भगवान जी, बस बारिश ना आए, इतनी साफ सुथरी कार हो रखी है, बारिश आएगी सत्यानाश हो जाएगा। बट एक चीज मेरे साथ यार हमेशा ही होती है, जब भी मैं वॉश कराता हूँ ना बारिश आती ही आती है। कल तो रात को कराई थी, पार्क कर दी थी, बारिश आई नहीं। अब मैं निकला हूँ, अब ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। और हाँ, एक जरूरी बात मैं आपको ना स्टार्टिंग में बता देता हूँ, भले ही भाई कहीं पे भी लिखा हो कि लीगल है इलीगल है, जो भी आप चीज कराते हो, बट वीडियो को देख के भाई खुद मत कराना, कहीं आप बाद में कहो कि भाई चलान हो गया। देखो अगर जो मैं करा रहा हूँ, मुझे भी पता है कि पुलिस वाले नहीं सुनते कि भाई ये लीगल है ये इलीगल है, उन्हें चलान करना है तो करना है। तो अगर आप भी टिंट वगैरह मतलब फिल्म वगैरह चढ़वा रहे हैं अपनी कार में, तो अपने रिस्क पर चढ़वाना भाई, मैं ये कहूंगा। क्योंकि पुलिस वालों के सामने ना कुछ बोल लो यार, भैंसने वाली बात आ जाती है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। तो चलान वो कर ही देते हैं, 500 रुपए का 1000 रुपए का थोड़ा बहुत तो चलता ही है। और अगर आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं मेरी तरह, तो बहुत ही दिक्कत है, हद से ज्यादा दिक्कत है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मैं टिंट वाली शॉप पे पहुंचूंगा तभी बारिश आएगी और हमारा काम नहीं बनेगा। इतना नेगेटिव मैं क्यों हूँ? आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप वॉश कराते हैं उस दिन या फिर उससे अगले दिन, बारिश होना 101% तय ही है। अगर होता है तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दो भाई, सेम है हमारी किस्मत। भाई घर से निकला था, धूप थी, मूड खुश था, साफ सुथरी कार धूप में निकाल रहे हैं, जा रहे हैं चंडीगढ़ टेंट करा रहे हैं। ये देख लो पंचकूला पहुंचा, बारिश स्टार्ट, और अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो धड़ाधड़ पड़ेगी बारिश। अब मैं वही सोच रहा हूँ, मैं निकल भी गया क्या करूँ अब। सुन रहे हो बस, ये बारिश नहीं हो रही, ये मेरे आंसू टपक रहे हैं भाई। आई स्वेयर, एकदम इतना गंदा तूफान आया है ना, और कार के ऊपर ना कुछ गिरा है, पीछे पेड़ भी टूटे हैं, ठीक है। अब पता नहीं क्या गिरा है क्या नहीं, उतर के ही देखूंगा। जब से वरना की विंडशील्ड टूटी है ना लैंडस्लाइड के दौरान, जब से तो इतना डर लगता है ना भाई ऐसे मौसम से, कहीं इस पर भी कुछ। और आवाज तो तगड़ी आई है, उतर के पता चलेगा क्या गिरा ऊपर। भाई ये देख लो, पेड़ भी गिर रखे है, माड़े हाल है भाई। ये देखो, एक पहले गिर रखा था, एक इधर गिर रखा है, वही है इस सीजन में पता नहीं चलता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। ये लो भाई, मेन रोड पर भी ये हाल है, तबाही तबाही तबाही। One eternity later. भाई पूछो मत कितना ज्यादा टाइम हो चुका है, बट फाइनली वी आर इन सेक्टर 28 और बारिश रुक चुकी है। और बारिश के बाद कितना सुंदर सुंदर लगता है यार, खासकर ये पेड़, वाओ। बट ठीक है, अब हम कराते हैं काम। वैसे ना बारिश में भी करा सकते थे, बट डस्ट वगैरह आ जाती है तो समझ रहे हो ना, वो फिनिशिंग नहीं आती, और पैसे भी ज्यादा लगेंगे क्योंकि जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच में लगवाने वाला हूँ। तो भाई ये है वो फिल्म जो हम सोच रहे हैं, ये है 30%। अच्छा ये 50 है, ये 50%, ये ज्यादा हो जाएगी ना, ये ज्यादा हो जाएगी। 30 में चलान के कितने चांसेस है, तो इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आएगी वो ही है, ज्यादा डार्क होती नहीं है। अच्छा 30 में, 50 बहुत कम होती होगी, है ना। ये मुझे ऐसा लग रहा है बलिनो में 50 आते हैं, वो वाला हिसाब है। इसका ब्रांड कौन सा होता है, साइन आर्ट। हाँ ये जैसे अगर उतारनी हो कल को तो गम तो नहीं छोड़ते। अच्छा ये है 30%, ये 30% यहाँ पे सारा मेंशन हो गया। और इससे क्या पता चलेगा, जो ये है मशीन UVR 84, क्या मतलब है इसका ये तो बताओ। अल्ट्रा वायलेट यूवी, नहीं वो तो मुझे पता है, बट इसका क्या 84 मतलब इतनी परसेंट बचा देगी, और वो कितने बचाती है, 150 वाला दिखाना। हाँ चलान का भी डर हो जाएगा। हाँ लगा के भाई, ये है वैसे जेड ब्लैक जो मैंने वरना में लगवाई थी,
और ये है 90, ये आप लगवा सकते हो अपनी कार में, बट इसका भी चलान है 90 है ना। जेड बिल्कुल ही ऐसी हो जाती है, ये जो वरना में लगवाई थी, ये देख लो भाई हिसाब किताब। तो भाई ये फाइनल हो चुका है, ये 30% हम करा रहे हैं अभी ना। मैं आपको जेड का भी सीन बताऊंगा कैसे आप करा सकते हो अगर चलान ना होए, बट इधर वही है शोर शराबा बहुत हो रहा है, देख लो प्लास्टिक वेल्डिंग हो रही है इधर, और लेट्स सी कैसा लगता है भाई 30 के बाद। अभी तो आप देख लो कैसी लुक आ रही है, ठीक है। 30 के बाद भी ना मतलब ज़्यादा ऐसा पता नहीं चलेगा, मतलब वो वाली फील लाना चाहता हूँ मैं कि कंपनी में जैसे आते हैं ना, समझ रहे हो, टॉप मॉडल्स वगैरह में, बलिनो वगैरह में, वो वाली फील आ जाए बस। और ज़्यादा तो क्या ही चाहिए यार, मेरे तो चंडीगढ़ है, अगर कहीं रोहतक वगैरह की साइड रहते तो जेड ब्लैक ही कराते। आज पूरा दिन? अच्छा, मैं तो सफाई भी नहीं करनी, कपड़ा भी नहीं मारना। अच्छा, जब लास्ट में जाओगे ना फिर बता देंगे। पर ये बताओ कोई ऐसा, जैसे आपको तो यही काम है मेनली, कुछ वो तरकीब नहीं है कि जेड ब्लैक कराएं चलान होए? नहीं है, होएगा तो होएगा ही है। कहते हैं कि पीछे वाले करा लो और वो जो सर्टिफिकेट बनवा लो स्किन वगैरह का, सर्टिफिकेट बन जाएगा तो है ना, तो शायद बस, पर वो भी पीछे पीछे, आगे आगे नहीं। देखो यार, दो वेज हैं अगर आपको जेड ब्लैक कराना है, लीगली, इलीगली तो ऑब्वियस बात है आप करा ही सकते हो, बट लीगली की बात करें पहला वही है कि पीछे वाले शीशे आप करा सकते हो जेड ब्लैक, बट आगे वाले नहीं। और उसके लिए ना आपको एक स्किन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का या फिर प्राइवेट का भी चल ही जाता है, बट आज के टाइम में भाई वो भी कम ही चलता है। और जो दूसरा वे जिसके ऊपर बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सीज होती है कि भाई VIP सेलिब्रिटीज की भी तो जेड ब्लैक होती है, उनका यूँ नहीं चलान होता, तो यार उसके लिए भी ना आपको SDM से अप्रूवल चाहिए होता है, आपके साथ गनमैन होने चाहिए तब ही आप जेड ब्लैक करा सकते हो। अप्रूवल होना चाहिए मेनली, तो परमिशंस वगैरह होनी चाहिए तभी वो बंदे करा के चलते हैं। जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, तो हाँ माइंड में ज़रूर रखेंगे अप्रूवल्स होते हैं भाई, बिना अप्रूवल के कोई भी नहीं करा सकते, तो लीगली जेड ब्लैक आप ऐसे ही करा सकते हैं। और भाई अब देखो, इधर हो चुकी है, इधर नहीं हुई है, फ़र्क आपको शायद से कैमरा में कम ही लग रहा होगा, बट नेक टाइप से लग रहा है। इधर ऑब्वियसली बात है अब ग्रीन टिंट ज़्यादा आ रहा है, इधर तो पता ही आपको महिंद्रा वाले टॉप मॉडल्स में भी कुछ ऐसा देते नहीं है, नॉर्मल ही है, बट जो बलिनो का टिंट है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल ही है। और अभी मैं टिंट बोल रहा हूँ, बट भाई ये फिल्म होती है, टिंट नहीं होती है, टिंट होती है जो इनबिल्ट ग्लास में आती है, जिसका चलान नहीं होता है। अब मैंने आपको जेड ब्लैक का चलान के बारे में तो बता दिया, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, लॉस के अकॉर्डिंग यही है, अगर आप ग्लास पे कुछ भी एक्स्ट्रा फिल्मिंग वगैरह करा रहे हो चलान है, चाहे वो 10% हो, 1% हो, कुछ भी हो चलान है तो है, वो वाला सीन है। अब देखो, अब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, 1x पे करता हूँ, शाइन तो ज़्यादा आ गई, वो ये साफ सुथरा है ना अभी। भाई हो चुकी है टिंट और फर्क आई स्वेयर पता चल रहा है भाई अंदर धूप का कि कितनी कम आ रही है। अब अच्छी बात है भाई, तपेगी नहीं, और हफ्ता 10 दिन में चला के देखूंगा अगर चंडीगढ़ में कोई दिक्कत नहीं हुई इसकी, वैसे होनी तो नहीं चाहिए यार, बट स्टिल अगर हुई कुछ तो ऑब्वियस ज्यादा उतार देंगे, और अगर नहीं हुई तो उसका वरना में भी करा देंगे। इंडियन गवर्नमेंट को यार ये कम से कम लीगल कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है भाई इंडिया में कितनी गर्मी होती है, एक 30-40% वाली टिंट या फिर उन्हें खुद ही निकालनी चाहिए, उसमें उनका भी फायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट और पैसे कमा लेगी, जो कि लीगल हो जाए, क्योंकि यार बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देख लो, पहले बारिश थी, अब एकदम से कितनी कड़क धूप आ चुकी है। और प्राइस की बात करें भाई, 1500 रुपए में ये तीनों शीशे, छह शीशे, तीन पर साइड। पीछे मैंने कराया नहीं, पीछे डिफोकर है तो मुझे रिस्क नहीं लेना था, बट फर्क जैसे मैंने आपको बताया पहले भी आ गया है। एंड अब जेड ब्लैक की बात करें, उसका भी मैंने आपको पूरा समझा दिया भाई, अगर आप करा रहे हो तो ये दो ही वे हैं, एक तो सर्टिफिकेट वाला, वो भी आजकल चल रहा है, नहीं चल रहा, उसकी भी शॉर्ट ही नहीं है। एंड यस, प्रिकॉशंस की बात करें, थोड़ी देर तक, वैसे एक दिन तक कोई विंडो डाउन नहीं करनी है, अप डाउन नहीं करनी है मतलब की, और इसे अंदर से न्यूज़पेपर वगैरह से साफ नहीं करना है। एंड यस, एक और छोटा सा काम हमने अपनी स्कॉर्पियन में करा लिया है, जिसे हम फ्लैशर भी कहते हैं, बट वो लगवाया है हमने ग्रिल के अंदर। जी हाँ, अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा लाइट कार के बाहर लगवा रहे हैं, अगेन भाई सैड लाइफ चलान हो जाता है, ऑक्सिलरी लाइट भी हम इसे कह सकते हैं, कुछ भी कह लो यार, बट यस, इसमें वाइट लाइट जल जाती है और रेड और ब्लू भी जल जाएगी, तो ठीक है, वही है यार, कभी कभी जलाने का मन गरजे रात को, है ना, क्या ही जाता है, लगवा लो। और ये टॉप नॉच क्वालिटी की है, इससे महंगी इधर कुछ नहीं है, मतलब ये 2000 की बड़ी, थार में मैंने थोड़ी सस्ती लगवाई थी, वो विद टाइम मतलब ये ख़राब हो गई थी, बट ये चाइनीज चुइनीज नहीं है, कुछ कहते हैं वही ताइवान लाइट है, वो वाला हिसाब किताब है, फेडरल की ये लाइट है, तो हाँ कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन की लुक और इनहेंस हो जाएगी। एंड केवल 2 बार लगवाई है ताकि सिंपल एंड सोबर लगे और छपरीनेस वाली लुक ना आए। एंड अभी मैं चंडीगढ़ में ही हूँ, दो नाक के क्रॉस
करे हैं, मतलब कि पुलिस वाले जैसे खड़े होते हैं, किसी ने रोका नहीं है। यार पुलिस वालों का भी ना मूड पे होता है यार, जब उन्हें थोड़ा होता है कि पैसे उसे कमा ले, चलान वगैरह कर दें, तो वो रोक लेते हैं। सब कुछ वही है, मूड पे डिपेंड करता है। बाकी यार आप बाहर से भी कार की लुक देख सकते हैं, पहले से इनहेंस हुई है। वो यार डार्क ग्लासेस यार अच्छे तो लगते ही है, जेड ब्लैक हो जाती और बढ़िया लगते। बट एनीवे फिलहाल देख लो, टाइम हो चुका है 1:51, यानी कि बस 2 बजने वाले हैं। और कहाँ पे फंस रखा हूँ भाई, पिंजौर से कालका आ गया था। मतलब कि पहले मैं गया चंडीगढ़ सुबह, फिर पिंजौर, फिर अब कालका, अब वापस घर जा रहा हूँ, शाम को फिर से कालका आना। मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं व्लॉग शुरू कर दूँ ना, इतना ज्यादा ट्रैवल हो जाएगा ना, बट वही इंटरसिटी और काम दिखाने में, मतलब व्लॉग में सोच रहा हूँ वाली वाइब भी नहीं आती, इसलिए मैं ज्यादातर ऐसे व्लॉग भी नहीं करता। बट इधर जाम जो कालका वाले, उन्हें पता ही है भाई, कालका में जो जाम लगता है भाई नेक्स्ट लेवल लगता है। और एक तो मेरे फोन की बैटरी भी इतनी डेड जल्दी हो जाती है ना, अब चेंज करना ही पड़ेगा भाई, 2 साल हो गए इसे, और चार्जर है नहीं कार में, वरना में चार्जर है, क्या कर सकते हैं भाई, सैड लाइफ है। बट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।